पहाड़ है, साथ में चढ़ाई भी है, तो सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगा। सारी दुकान में हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म का सारा सामान रखा हुआ था। इवन ये सब अगरबत्तियाँ, ये देखें आप, ओम लिखा हुआ है यहाँ पर, कमाल हो गया, सब चीज़ें हिंदू धर्म की। चलें चलते हैं, अब एकदम कह रहे हैं यहाँ पर आप अपना बाहर से खाने का सामान नहीं ला सकते, तो यहीं से आपको खाने का सामान लेना है और खाना है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द जर्नी फॉर ट्रूथ। दोस्तों आज हम जाने वाले हैं दरके। जी हाँ, दरके तेहरान में एक ऐसी जगह है जो पहाड़ी एरिया है और वहाँ का नेचर बहुत ज़्यादा खूबसूरत बताया जा रहा है। तो देखते हैं वहाँ पर जाकर पता चलेगा कि वहाँ का नेचर वाकई खूबसूरत है या नहीं है, क्योंकि इस टाइम पेड़ों पर जो है पत्ते वगैरह आ चुके हैं, फूल वगैरह आ रहे हैं, फल वगैरह आ रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरती होनी चाहिए, जैसा कि लोग बता रहे हैं या इंटरनेट पर मैंने देखा है। तो चलते हैं वहाँ पर जाकर देखते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी मुझे पता चली वहाँ के बारे में, वो ये है कि 7-8 साल से लेके जो बच्चा चलने वाला होता है, यानी 8-10 साल का बच्चा, और 70-80 साल तक के बूढ़े जो होते हैं, जो चलने फिरने वाले होते हैं, चलते फिरते हैं, यानी 8 साल से लेके 80 साल तक के जो इंसान हैं उस पहाड़ी एरिया पे, जो पहाड़ी एरिया है दर के स्टार्टिंग पॉइंट से और जो लास्ट पॉइंट होता है वहाँ तक आराम से जा सकते हैं बग़ैर किसी परेशानी के, बग़ैर किसी मुश्किल के। यानी ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा थक जाए, यानी वहाँ पर नॉर्मली बच्चे से लेके जवान बूढ़े सब लोग जाते हैं घूमने के लिए, लेडीज़ जेंट्स सब जाते हैं, टूरिस्ट पैलेस है। तो देखते हैं चल के वहाँ कैसा है, क्या हो रहा है वहाँ पर, और कितनी खूबसूरती है, कैसा पहाड़ है। तो काफ़ी लंबा बताया जा रहा है, तो देखते हैं वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि कितना लंबा है, कितने किलोमीटर है और कितने घंटे लगते हैं उसको पार करने में। तो चलते हैं दर के और बात करते हैं वहीं पर। इस वक्त सुबह के 7:04 हो रहे हैं। मैं 6 बजे निकला था, वैसे मुझे वापस आना पड़ा घर पे, कुछ काम आ गया था, और मैंने स्नैप लगा दी है देखें, और स्नैप से ही जाने वाले हैं हम हफ्ता दो तन, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ एक वीडियो में, शुरू की वीडियोस में, कि हफ्ता दो तन क्या है। तो वहाँ से हम तेहरान की टैक्सी लेंगे, बस का टाइम नहीं है, बस के लिए लेट हो जाएंगे क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना है वहाँ के बाद। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है दरके पहुंचने में। तो भाई मुझे टैक्सी मिल चुकी है हफ्ता दो तन के लिए, और काफ़ी देर हो गई है वैसे मुझे बैठे हुए, 20-25 मिनट में मुझे पहुंचने में लगेगा हफ्ता दो तन। उसके बाद वहां से मैं तेहरान की टैक्सी लूँगा, और तकरीबन 45 मिनट या एक घंटा मुझे तेहरान पहुंचने में लगेगा। वहां से मेट्रो लेंगे दरके जाने के लिए, जो पहाड़ी एरिया है वहाँ का नेचर बहुत ही खूबसूरत बताया जा रहा है, जाकर ही पता चलेगा कैसा है। चलते हैं देखते हैं कैसा है। ये जो आप देख रहे हैं रेल की पटरी है, मोनो ट्रेन की पटरी है। बहुत साल पहले काम यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, लेकिन जानते हैं गवर्नमेंट की किसी प्रॉब्लम की वजह से ये रुक गया, तो फिर उसके बाद ये कभी नहीं बनी। अब यहाँ पर मेट्रो आ गई है, ज़ेर ज़मीन है, यानी ज़मीन के नीचे है इस शहर में, लेकिन अगर ये बन जाता तो दसियों साल पहले यहाँ पर एक मोनो ट्रेन होती। देख रहे हैं आप, सारे में आपको पेड़ पौधे घास फूस नज़र आने वाले हैं। ये घास फूस कचरा कबाड़ नहीं लगाया जाता है यहाँ पर। अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ईरान की जो सारी ज़मीन है वो बंजर है, पथरीली ज़मीन है, पेड़ पौधे आपको हरियाली बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन शहरों में, गांव देहात में ईरानी गवर्नमेंट ने ये सब काम किया है, मेहनत की है, लोगों को लगाया है ताकि पेड़ पौधे उगाए जा सकें और उनकी देखभाल की जा सके। देख सकते हैं आप, थोड़ी थोड़ी दूर में पार्क आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, और ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है इन लोगों की। यहाँ पर शाम को सुबह फैमिलीज आकर बैठती हैं, असल में ज़्यादातर शाम को और रात वगैरह में यहाँ 2-2 बजे तक फैमिलीज रहती हैं। तो देखें आप जहाँ भी जाएंगे शहर में सिर्फ आपको पेड़ पौधे देखने को ज़रूर मिलेंगे।
और वहाँ पर जो पेड़ पौधे लगे हैं जैसे बाग वगैरह ये हैं, सबके लिए निगहबान है, यानी एक वॉचमैन या चौकीदार जो भी कहें, बागवानी जो करते हैं वो ज़रूर होता है, ताकि उनकी देखभाल कर सके, उन्हें टाइम पर पानी दे सके। तो ये है कुछ ईरान की फिज़ा। तो भाई मैं दर के आ चुका हूँ और चलते हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं कैसा है यहाँ पर। ये ऊपर की तरफ रास्ता जा रहा है, दो रास्ते हैं। कुछ लोग इधर से आ रहे हैं और कुछ लोग इधर से जा रहे हैं, इसी तरह दूसरा रास्ता है। तो भाई यहाँ से पहाड़ नज़र आ रहे हैं, देखें आप, पहाड़ है साथ में चढ़ाई भी है, तो सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगा। तो यहाँ सारे में जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है, देखें आप, ये जंगल है और उसके आगे पहाड़ है। देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर देखने के लिए, कितनी ऊंचाई पर हैं हम अभी, तो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं है, वो पानी बह रहा है वहाँ पर, पेड़ लेकिन काफ़ी बड़े बड़े हैं, यहाँ तक आ रहा है ये पेड़ तो। चलो देखते हैं आगे क्या है, चलते हैं। यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, जुमरात है तो शायद इसी वजह से यहाँ पर भीड़ है, जुमे की छुट्टी रहती है, जुमरात की छुट्टी रहती है। रास्ते बीच में छोटी छोटी दुकानें भी हैं, पता नहीं क्या बेच रहा है। लो भाई अगरबत्तियाँ। तो भाई मुझे अभी अभी आते वक्त एक छोटी सी दुकान मिली है, और जब मैंने अंदर जाकर देखा तो मुझे ताज्जुब हुआ। और ताज्जुब क्या हुआ, सारी दुकान में हिंदुइज़्म यानी हिंदू धर्म का सारा सामान रखा हुआ था, जैसे अगरबत्तियाँ और उसके अलावा जो है ओम का फ़ोटो, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैं अभी दिखाने वाला हूँ। इसी तरह एक यहाँ तस्वीर लगी है कुछ इस तरह की, तो देखते हैं अंदर, ये अगरबत्तियाँ हैं। ये आगा इस दुकान के जो है मालिक हैं, यहीं के यहीं पर रहते हैं। नमस्कार, नमस्ते कर रहे हैं आप लोगों को। और ये सारी चीज़ें यहाँ से हिंदुस्तानी हैं सब तकरीबन, ये सब अगरबत्तियाँ, ये देखें आप, ओम लिखा हुआ है यहाँ पर। ये कुछ इस तरह से जैसे हमारे हिंदू भाई अपने यहाँ पर घरों में सजाते हैं किसी एक रूम को, एक जगह को। ये गणेश जी हैं शायद, जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये गणेश जी हैं, अगरबत्तियाँ जली हुई हैं। क्या कहने भाई, क्या कहने, यहाँ पर भी ओम लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। शो में यहाँ रखा हुआ है सब, ये माला है गले की जो हिंदू धर्म में पंडित जी पहनते हैं। आप देख सकते हैं ये इनको वैसे पंडित जी नहीं कहते हैं, ये वो होते हैं जो तांत्रिक वगैरह, तांत्रिक, हाँ तांत्रिक कहते हैं इन लोगों को, तांत्रिक हैं इस तरह।
ये आप देख सकते हैं ये तो भाई कमाल हो गया, सब चीज़ें हिंदू धर्म के यहाँ दिखाई दे रही हैं। चलें चलते हैं अगा बे बख्श चलता हूँ। ये छोटी सी दुकान है, कोई ख़ास बड़ी भी नहीं है, सारा सामान जो है हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म से रिलेटेड था। अंदर शोपीस में थे सब चीज़ें, और जो भी चीज़ कोई ख़रीदना चाहे तो ख़रीद सकता है। तो ईरानी जो है इंडियंस को बहुत फॉलो करते हैं, यानी बहुत मानते हैं, पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। चलें देखते हैं आगे क्या क्या है। तो भाई थोड़ी थोड़ी दूर पर जो है यहाँ पर दुकानें हैं लगी हुई, कुछ इस तरह की दुकानें हैं यहाँ पर लगी हुई, थोड़ा थोड़ा सामान बेच रहे हैं। तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और पानी भी ऊपर से आ रहा है। सारे में जंगल ही जंगल है। ये यहाँ पर कप बेच रहे हैं, पानी की बोतल हैं, कप हैं, चाय, खजूर, और ये मिश्री है। छोटी छोटी सी दुकानें खुली हुई हैं यहाँ पर, और ये रास्ते बनाए हुए हैं या बनाए हुए नहीं है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी तो यहाँ घर भी चल रहे हैं, घर भी हैं यहाँ पर, यानी पहाड़ों पर घर बसे हुए हैं वो चल रहे हैं। अब ये आखिर तक घर चलते रहेंगे या नहीं वो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। तो ये कुछ इस तरह की गली आ गई है पतली सी ऊपर जाने के लिए। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, देखें ये एक दादी अम्मा हैं, ये दादी हैं क्या है पता नहीं, लेकिन अच्छी खासी एजड हैं, तो पैदल जा रही हैं एक डंडी के सहारे से। तो आपको यहाँ 80 से 70-80 साल तक के लोग देखने को मिल जाएंगे, ऊपर चढ़ रहे हैं। अच्छा है, बेहतरीन बना हुआ है, नेचर बहुत खूबसूरत है यहाँ पर। यहाँ कुछ सामान बिक रहा है, बैग वगैरह, ये दास्तानें वगैरह मिल रहे हैं, हेड, धूप से बचने के लिए हेड भी मिल रहा है। यहाँ बैग वगैरह है, 330,000 तुमान, यानी 3,30,000 तुमान हो जाएंगे आपके, तकरीबन 500 रुपये का ये बैग था। बिस्किट वगैरह, अनार का जूस, चांद है पंजासी। तो यहाँ पर जो है एक गिलास जो अनार के जूस का था वो 50,000 तुमान का है, प्योर, कोई पानी वानी नहीं मिलाते हैं ये लोग। और छोटा वाला गिलास जो है वो 30,000 तुमान का है। 50,000 तुमान हो जाएंगे हमारे भाई 6.5 लाख तुमान की 1,000 रुपये चल रहे हैं, 6.5 लाख तुमान। रियाल तो मिलियनों में बैठते हैं, ठीक है ना, मैं रियाल व्याल में नहीं जोड़ रहा हूँ, करोड़ों, पता नहीं कितने लाख कितने मिलियन बैठेंगे मुझे भी खुद नहीं पता, तो मैंने कभी हिसाब जोड़ा नहीं है, लेकिन तुमान में ही मैं बता देता हूँ, 50,000 तुमान 6.5 लाख, हम 6 लाख मान लेते हैं, ठीक है, 6 लाख 300-500 रुपये का, 3 लाख 500 रुपये के हो गए, 1.5 लाख जो है 250 रुपये क्या हो गया हैं, और 250 को 300 में बदल दो आप, 250 75 तो 75 रुपये का तकरीबन, ये 70 रुपये का मान लेते हैं, क्योंकि हमने 50,000 तुमान आगे भी छोड़ देते, 70 रुपये का तकरीबन ये हमें पड़ रहा है बड़ा वाला गिलास, सही है ना, और 30-50 रुपये का मान लेते हैं छोटा वाला गिलास, तो ठीक है, महंगा नहीं है, जैसे यहाँ पर लोग घूमने के लिए आ रहे हैं तो महंगा होना चाहिए था, लेकिन महंगा नहीं है। तो
ये कुछ यहाँ बैठने के लिए बनाए हुए हैं, लोग आकर यहाँ बैठ सकते हैं, खाना खाएं, अपना रेस्ट करें थोड़ा थोड़ा। असल में थोड़ी थोड़ी दूर पर यहाँ पर रेस्ट के लिए बनाए गए हैं। चलें ऊपर चलते हैं, देखते हैं। लेकिन बहुत ही मज़ा आने वाला है यहाँ पर, ठीक है ना। बहुत अच्छी जगह है और पहाड़ी है चारों तरफ भाई, ये देखें आप। मैं ऊपर का हिस्सा आपको दिखा देता हूँ, वो वहाँ तक सारी पहाड़ी है, ठीक है ना। इधर भी सब ये ऊपर पहाड़ी है, ये पहाड़ पे बसा हुआ है समझे। बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको। ओ, 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 ओ। है तो मज़ेदार। ये भी यहाँ पर जूस निकाल रहा है अनार का। चांदे लिमन सी कुदू में, हाँ छोटा सा गिलास जो देख रहे हैं आप, ये है भाई छोटा सा, 30,000 तुमान, ये 50,000 तुमान। तो गिलास तो बहुत बड़ा भी नहीं है भाई, छोटा है, तो ठीक है, फिर भी अनार है भाई। यहाँ जूते बिक रहे हैं देखें आप, सलाम होगा खास ना बस। हम इन कीमत है 400 तो 30। अरे अमन यानी 400 तो 30,000 तुम्हारे, हाँ 4 मिलियन है पहली बोला व्यवस्थित। तो भाई ये जो जूते आप देख रहे थे, 4 मिलियन तुमान और 2 लाख तुमान, यानी 4 मिलियन 2 लाख तुमान के जूते थे। 4 मिलियन पता कितने बनते हैं, 6.5 लाख के हिसाब से आप बताएं, 6 × 12 6 × 18 6 × 24 6 × 5 30 6 × 36 36 × 6 = 42 यानी 7,000 रुपये का जूता। यार कोई बात है, 7,000 रुपये का जूता मारेंगे ये लोग क्या। मैं सोच रहा था देखूं जूता कैसा है, अगर नॉर्मल हुआ तो ख़रीद लेंगे, क्योंकि पहाड़ों वाले जूते अलग होते हैं ना। तो 7,000 रुपये का जूता यार बहुत महंगा है। चलें देखते हैं आगे जाके, देखते हैं क्या हालात हैं यहाँ के, महंगा कितना महंगाई हो रही है। ये क्या बेच रहे हैं, पत्थर हैं। ये पंसारी जिसको हम लोग पंसारी कहते हैं, ये इसकी दुकान है छोटी सी, देख रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पर जो है पंसारी नहीं कहते हैं, यहाँ पर अत्तारी कहते हैं। तो चलें देखते हैं। तो जगह जगह आके लोग बैठ जाते हैं जब थक जाते हैं, तो देख सकते हैं आप एक लेडी वहाँ बैठी है पेड़ के नीचे। ये पानी आ रहा है ऊपर की तरफ से, रेगुलर पानी चल ही रहा है भाई, चलता रहेगा, कि ये तो झरना होता है ना, चश्मा। लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ पर, अगर आप ईरान आते हैं घूमने के लिए तो डर के ज़रूर आइएगा, लेकिन अकेले आना थोड़ा मसला हो जाता है यार, अकेले का दिल नहीं लगेगा। फिर अगर 2-3 बंदे साथ में हो तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप लोग 2-3 मिल के साथ आइएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये लोग यहाँ नाच रहे हैं, भाई अकेले मत आइएगा यहाँ पर, ठीक है ना। मैं आपको फिर से वॉर्न कर रहा हूँ, अकेले दिल नहीं लगेगा आप लोगों का। तो भाई मैं नीचे से आता आता ऊपर आ चुका हूँ, और मैं जो हूँ इधर की तरफ से आया हूँ। देखें आप, ये नीचे वाला रास्ता है, ये सग कुत्ते साहब बैठे हैं, लेट मार रहे हैं यहाँ पर, ठंडी हवा ले रहे हैं। मैं इधर से आया हूँ असल में, ठीक है ना। और एक रास्ता इधर से आने का है, अगर आप थक जाएं तो यहीं से वापस जा सकते हैं इधर, या इधर से आते हैं तो अगर थक जाते हैं तो इधर से वापस जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आगे जाना है तो
आपको इधर से सीधे जाना होगा। तो थोड़ा हम यहाँ रेस्ट करते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं आगे।